मैं चाहता हूँ कि आप और मैं इस फिल्म के क्लाइमैक्स को देखें। जरूर आऊंगी। मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं ना, क्लाइमैक्स है तो आपका होना बहुत जरूरी है, तो आप आ रही है ना? जी मैं आ रही हूँ। गाड़ी को ना मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, तुम गाड़ी मैकेनिक को दिखा दो, मैं ऑटो में चली जाती हूँ। अपने बीवी को अब तक बता रहे कि इस क्लाइमैक्स सीन का विलन कौन है? कोई आखिरी ख्वाहिश? जाग गई? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? एक इंसान कितना गिर सकता है? इतने मत सोचो। फालतू बातों में अपने दिमाग पर जोर मत लगाओ। सोच भी नहीं सकती हम क्या कर सकते, इसलिए इतना ज्यादा सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। वो क्या है ना विदीप, तुम्हारे आगे मैंने हाथ जोड़े हैं, तुम्हारी चौखट पर आकर अपना नाक रगड़ा कि मेरे बेटे को अपनी जिंदगी दे दो, लेकिन तुम नहीं मानी, मना कर दिया तुमने। बेटे तुमने मेरे साथ भी क्या किया? मेरे साथ भी सेम ही किया रोशन जी। है ना विधि, तुमने मेरे बेटे की खुशियां छीन ली, उसकी फिल्म छीन ली, यहाँ तक कि उसका प्रेम भी छीन लिया उससे। सैड, वेरी सैड। देखो हम ये नहीं कहते कि तुम बुरी लड़की हो भाई, वेद प्रकाश शास्त्री की बेटी है तो सुशील और संस्कारी तो होना ही है ना। जी 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 जी। लेकिन क्या है ना विधि, वेद प्रकाश शास्त्री, तुम ना आजकल हमें बहुत तकलीफ देने लगी हो, परेशान हो गए हम लोग। सही कहा आपने रोशन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पता है विधि तुमने कितना तंग कर दिया हमें, इतनी तकलीफ दी है ना बाबा, सच में फाइनली तंग होके डिसाइड करना पड़ा कि रुकना, खत्म ही कर दो इसको, इसका किस्सा कहानी खत्म करते हैं। तो क्या करे? क्या करें? मुझे क्या पता क्या करना है, क्या करें? अरे मल्लिका जी आप सोचिए ना, मुझे आपकी सोच पे पूरा विश्वास है, सोचिए। रुक, सोचना क्या, पहले ही तो बोला था डिसाइड कर दो इसको कैसे मारना है। अभी नहीं हुआ डिसाइड, अभी कर लो ना, कम ऑन, थिंक 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 थिंक, कम ऑन। एकदम तुम भी सोचो, कैसे मारे कैसे मारे इसको, कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे कैसे मारे कैसे। हाँ, बेबी को ऊपर से नीचे फेंक ही देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करने पर अगर बच गई तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, गोली मार देते हैं। अरे भोपाल के प्रीतम और गोवा के रोमियो, पागल हो गया तू? अरे गोली मारेंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाएगा। Yeah. कमाल का आइडिया। देखिए नारियल के इतने लंबे लंबे झाड़ हैं, यही लटका देते हैं इसे, लटकती रहेगी। ज्यादा ऊपर नहीं है, रहेगी तो कंफर्टेबल। एक मिनट रुको ना, मैं क्या बोल रही हूँ कि इसकी डेथ ना मर्डर नहीं लगनी चाहिए, समझ रहे हो तुम, एक्सीडेंट लगना चाहिए। ब्रिलियंट आइडिया, क्या सोच है आपकी, मैं पहले ही बोल रहा था आपको। देखा तो ऐसा क्या करे कि इसकी मौत एक्सीडेंट लगे। ए विधि छोड़ मुझे। नहीं बता किस तरह मरना पसंद है तुझे। नहीं नहीं बता, तुझे ऐसा ना लगे कि मुझे हाय हाय मार भी दिया और बताया भी नहीं। इसका गला बहुत छोटा है, घोट दे क्या? नहीं 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 नहीं, इसे ऐसी मौत दो कि वापस जन्म लेने में ये डर जाए। एक मिनट, इतना टाइम मत लो, इसे कैसे मारना है वो डिसाइड करने में मुझे लेट हो रहा है। रोशन जी मुझे पार्टी में जाना है और प्रीतम मुझे पार्लर भी पहुंचना है, पास जल्दी करो, किस्सा कहानी खत्म करो इसका। ठीक है मार देते हैं। अरे आप डायरेक्टर हो, आप सिर्फ एक्शन बोलिए, सीन खत्म करके मैं आपको दिखाता हूँ।
क्या बात है, जाओ 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 जाओ। हाँ जल्दी रिपेयर करना इसको। क्या ठीक करो इस कटारे को, वही तो कर रहा हूं, दो मिनट रुकना। लड़की देख रहा है क्या, गाड़ी रिपेयर करना रे। सेकंड में लिया है क्या, तेरे को क्या है? बस सेकंड के गाड़ी लेने का था, अपुन को बोलने का था, मस्त टकाटक गाड़ी दिलाता, इससे अच्छा गाड़ी दिलाता। अरे मेरे बाप, अगली बार तेरे को इच बोलेगा। अभी अभी गाड़ी पे ध्यान देना तू। कान बज रहे ले। क्या हुआ, जल्दी करना है। अरे ठीक नहीं हो गई, खटारा कल लेके जा। लेकिन हुआ क्या है इसको, क्या हुआ? पाइप फट गया, ऑयल लीक हो रहा है। आज गाड़ी नहीं बनेगी, कल लेके जा। आज नहीं होएगा? नहीं आज नहीं होगा, कल मिलेगा, कल सुबह लेके जा गाड़ी। ठीक है करके रखा, अपन कल सुबह आता है। साला आज का दिन ही खराब। यदि को दिल का बात बोलने का था वो तो नहीं बोल पाया, अभी उससे मिलने में भी देरी हो गई। ऑटो कर लो, मरी की नहीं मरी। दो बार चेक करना, ये बार बार बच जाती है। She is no more. मर चुकी है। सीन ओवर। तो कोई शूटिंग नजर नहीं आ रहा है, कहीं अपन गलत जगह पे तो नहीं आ गया? आगे चल के देखते। विधि, 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 विधि,
मोंटी मोंटी जल्दी सबको लेके ना हॉस्पिटल आ जा। विधि का एक्सीडेंट हुआ है, वो बहुत घायल है। तू जल्दी आ, जल्दी आ। हिफाजत करना अल्लाह। विधि, विधि, मेरा बच्चा। विधि, मुन्ना, मुन्ना, कहाँ है? मुन्ना, दीदी को क्या हुआ मुन्ना? वो विधि का एक्सीडेंट हो गया। बच्ची कहाँ है? उसका डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। मुन्ना, सिस्टर सिस्टर ठीक तो है ना? पता नहीं, वो बहुत बुरी तरह जख्मी है। और जिसने एक्सीडेंट किया वो तो भाग भी गया, पर बहुत खून निकल गया उसका। दीदी को कुछ नहीं होना चाहिए। आज सुबह मेरा बच्चा कितना खुश था, उसका फिल्म का शूटिंग फिर से शुरू होने वाला था। वो शूटिंग में जा ही रहा था और क्या? विद्या शूटिंग के लिए गई थी? ये बात मुझे मालूम है कि फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू हो गई है, लेकिन आज शूटिंग है, ये बात मुझे कैसे नहीं मालूम पड़ी? हालांकि मैं विधि का सेक्रेटरी हूं है? जी अप्पा, डोंट वरी, मेरी रोशन जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि हम जल्दी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ नहीं नहीं, हम लोग पहले वो सीन्स शूट करेंगे जिनमें प्रेम नहीं है, और फिर जब बाद में प्रेम ठीक हो जाएगा तो हम बाकी सीन्स शूट कर लेंगे। जी अप्पा, इंश्योर हमारी फिल्म तय वक्त पर ही खत्म हो जाएगी। डोंट वरी, आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय अप्पा। गौरी मैडम। अरे जोशी जी, आइए ना। जी जोशी जी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी, हम बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। मैडम, मैं इसके लिए आया हूँ कि विधि का एक्सीडेंट हो गया है। What? पर वो ठीक तो है ना? जी नहीं, वो बुरी तरह से जख्मी है। कौन? लेकिन ये कैसे कैसे हुआ? आज वो शूटिंग के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, सोचा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि शूटिंग रोकनी पड़ेगी। रोकनी पड़ेगी मतलब? शूटिंग तो हम शुरू करने वाले थे जोशी जी। आप लोग शूटिंग शुरू करने वाले थे? मतलब सबके शूटिंग नहीं थी तो विधि? नहीं, आज तो शूटिंग नहीं थी। अगर शूटिंग होती तो मैं लोकेशन पर होती, राइट? विधि शूटिंग के लिए जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। शूटिंग नहीं थी तो फिर फोन किसका आया होगा? बताइए तो सही, से कब होश आएगा? शायद कभी नहीं। क्या?
शायद स्वामी ने फोन किया होगा है। वड़क्कम मैडम। स्वामी जी, तुमने विधि को फोन किया था आज? नहीं जी, मैंने नहीं किया। मैं क्यों करेगा जी? पता नहीं, किसी ने विधि को फोन किया था और शूटिंग पे बुलाया, और रास्ते में विधि का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। अयो, कैसा है वो? शी इज नॉट वेल। ए स्वामी, ए आपने विधि को फोन नहीं किया था है? कैसा बात करता है जोशी जी, अगर शूटिंग होगा तो हम फोन करेगा, कोई काम होगा तो करेगा, वो क्यों फोन करेगा जी? हाँ वो भी है, बस मैं आपको खबर करने के लिए आया था कि विधि का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे अभी अस्पताल जाना होगा तो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण। जोशी जी एक मिनट, मैं भी जल्द हॉस्पिटल आऊंगी, लेकिन अगर कुछ पैसों की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। नहीं अभी उसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ विधि के लिए प्रार्थना करना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जोशी जी। स्वामी जी मैम, चेक इट आउट, हमारी टीम में से तो किसी ने विधि को फोन नहीं लगाया ना। ट्राई टू फाइंड आउट। पता करता है। बुला लीजिए। जी, जी मैं उनकी छोटी बहन हूँ। कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो प्लीज उसे बुला लीजिए। मैं हूँ ना, मैं विधि की माई हूँ। बताइए ना डॉक्टर, मेरी विधि को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, अब कैसा विधि को, उसे कब होश आएगा? डॉक्टर दीदी ठीक तो है ना? डॉक्टर मेरी बेटी कब तक ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कुछ करिए ना अपना सिस्टर को होश में आने के लिए। अरे डॉक्टर बताइए तो सही, उसे कब होश आएगा? शायद कभी नहीं। विधि को क्यों, उसे होश नहीं आएगा? उसे सर पे चोट लगी है, वो कोमा में चली गई है।
सकता। ऐसा भी हो सकता है कि विधि अब कभी ठीक ना हो, बाकी की जितनी भी जिंदगी है वो ऐसे ही गुजार दे। नहीं, नहीं, नहीं। फिर भी हमसे जो हो पाएगा वो हम करेंगे। ऐसा मत बोलो डॉक्टर, ऐसा मत बोलो। सॉरी, मैं एक डॉक्टर हूँ, सच्चाई बताना जरूरी था मेरे लिए। डॉक्टर साहब, हम लोग विधि को मिल सकते हैं? हाँ, आप विधि से मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। दीदी, दीदी क्या हो गया तुम्हें? प्लीज उठो दी, दी प्लीज उठ के हमसे बातें करो। आंटी देखो ना, दीदी उठ नहीं रही है। सुमन शांत हो जाओ, सुमन शांत हो जाओ। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, प्लीज उठो दी। सुमन बेटा, दीदी गॉड तुमने क्या कर दिया हमारी बच्ची के साथ? हमको बुला लेना था तुम्हारे पास। नहीं देख सकता अपन, अपन सिस्टर को ऐसा नहीं देख सकता रे। तकदीर वाली ऐसा नहीं करते। बात करना अपन से, एक करना बात, तो सुन रही है ना? देख तू बात नहीं करेगी ना तो अपन रो देगा। बात करना। नहीं नहीं नहीं, कोई कोई बीच में नहीं बोले। ऐसे कैसे बात नहीं करेगी? क्या अपन इंसान नहीं है? तकदीर वाली, याद है जब अपन पहली बार मिले थे? हाँ, अपन लॉटरी बेच रहा था, एक बूढ़े आदमी को बेवकूफ बनाया और तू गुस्सा हो गई थी ना? अपन को डांटी भी थी, सबके सामने डांटी थी। और याद है उस रात को जब तू तकलीफ में थी और अपन तेरे को बस्ती लेके गया था? हाँ, और जब जब ये आंटी आंटी आने वाली थी तब अपन कैसा डर गया था? बोला था ना कि गब्बर सिंह आ रहा है। रोमियो! चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मल्लिका जी। अगर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो जानते हो क्या होगा? कुछ नहीं बताएगी वो। इससे पहले कि पुलिस हॉस्पिटल पहुंचे, मेरा पंटर वहां पहुंच के उसे खत्म कर देगा।